राजमहल के अंदर ये लाइट के लिए व्यवस्था की गई थी, इसके अंदर लेफ्ट राइट में मिरर लगे हुए थे, बाहर की रोशनी रिफ्लेक्ट होके क्रॉस वेंटिलेशन द्वारा इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके अंदर जाती थी। ये उस समय का 1897 से पहले भारत में इलेक्ट्रिकल व्यवस्था नहीं थी, उससे पहले 15th सेंचुरी में ये लाइट का प्रबंध था। लाइट रोशनी अंदर ना होने पर भी बाहर का रोशनी रिफ्लेक्ट होकर अंदर जाता था। इस महल के अंदर देखिए पुराने समय पर मनोरंजन के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो मानसिंह महल के अंदर राजा मानसिंह तोमर ने पुराने समय पर इसमें ये मेटल के हुक लगाए थे, 8 रानियों के लिए अलग अलग से 8 हुक लगाए गए थे, कुछ देखो टूट गए कुछ अभी भी लगे हुए हैं। तो ये राजमहल के अंदर था झूलाघर, मानसिंह तोमर की 8 रानियां इसी हॉल में झूला झूलती थी, इसलिए इसको हम झूलाघर कहते थे। परंतु मुगल पीरियड आते ही ये पूरा महल खराब कर दिया मुगलों ने, क्योंकि इसको जेल बना दिया गया। मुगल पीरियड में सबसे लास्ट जो रूलर रहा था मुगलों का, जिसका नाम था औरंगजेब, औरंगजेब के समय आते ही व्हाइट स्पॉट देखिए आप, यहां से लेके इस व्हाइट स्पॉट तक एक लोहे की रॉड डाली गई। इसी रॉड पर औरंगजेब ने अपने ब्रदर मुराद को हैंगिंग किया। दाराशिकोह को यहां से निकल के भाग गया, उसको दिल्ली के अंदर चांदनी चौक पे जाके पकड़ा, गर्दन को काट के एलिफेंट से कुचलवा दिया था। सुजात को उन्होंने बंगाल में दीवाल में चुनवा दिया, क्योंकि औरंगजेब का चाहते थे कि आगरा का राजा दिल्ली का राजा मैं बनूं, पर उनके फादर का सपना था कि दाराशिकोह को राजा बनाया जाए। औरंगजेब ने अपने ही फादर को आगरा के रेड फोर्ट बंद किया और अपने तीनों भाइयों को ग्वालियर में, एक भाई मुराद को इसी जगह पर हैंगिंग किया, इसलिए इस जगह को हम झूलाघर की जगह फांसीघर के नाम से भी जानते हैं। ओल्ड टाइम पर इस टाइप का प्रबंध नहीं था, तब यहाँ पर इको सिस्टम बना हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मानसिंह तोमर के समय का इको सिस्टम है, क्योंकि भारत में टेलीफोन मोबाइल नहीं था, उससे पहले यहाँ पर इको सिस्टम बन चुका था। ये हमारे महल के अंदर 600-700 बरस पहले इको बन चुका था। अगर हम कहीं पर भी कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, इस बोलने का आवाज़ पूरा साउंड पूरे महल में साउंड होता है। ये इंडिया का पहला इको सिस्टम है। सेकेंड नंबर का अगर आपने सुना हो गोलकुंडा हैदराबाद, थर्ड नंबर का है लखनऊ उत्तर प्रदेश इमामबाड़ा, फोर्थ नंबर का सिकंदरा। तो ये पुराने समय में इको बन चुका था, कहीं से बोलने पर इसका आवाज़ पूरे महल में साउंड होता है। अगर कभी कभी साउंड कम होता है तो शंख ध्वनि के द्वारा भी साउंड आगे तक बढ़ाते थे। पूरा महल मीना पेंट से सजा हुआ था, ये बहुत ही पुराना कलर है मीना पेंट, ये पूरे महल पर आकृति में लगा हुआ था, ये बाद में मुगलों के समय इसको निकाला गया। तो ये पूरा महल बहुत ही अलग टाइप का बना हुआ था, इसके अंदर रोशनी भेजने के लिए ये सामने गोल गोल लगे हुए थे। मॉर्निंग में 8 बजे रोशनी यहाँ से आती है, 8 के बाद 10, 12, लास्ट में लास्ट गोल गोल से रोशनी 6 बजे बैक साइड से आती है। उसके बाद इवनिंग होने के बाद ये गोले का रोशनी बंद हो जाता है, फिर ऑयल लैम्प के द्वारा यहाँ रोशनी अंदर करते थे। तो ये राजा मानसिंह के समय पर गोल गोल से रोशनी भेजने का भी प्रबंध था। महल में जाने के कई रास्ते हैं, एक रास्ता यहाँ से भी है जो बेसमेंट के लिए जाता है, एक रास्ता बैक साइड में भी है, ये भी बेसमेंट के लिए जाता है। अभी हम लेफ्ट साइड चलते हैं, क्योंकि महल पूरा भूल भुलैया आकृति बना हुआ है। प्लीज़ सामने आप देखिए, ये राजा मानसिंह तोमर के महल के अंदर बहुत ही स्मॉल डोर बनाए गए हैं, क्योंकि ना तो राजाओं की हाइट इतनी कम होती थी, ना ही इतने छोटी हाइट के होते थे, परंतु महल में स्मॉल डोर बनाने के सिर्फ दो ही रीजन थे। पहला कंडीशन ये था कि महलों में राजा के सामने कोई सर खड़ा करके ना आए। सेकेंड रीजन ये था कि राजमहल में जब कोई प्रॉब्लम होती है, किसी राजमहल में कोई रानियों पर कोई अटैक करता है, आसानी से अटैक ना कर पाए, उसके लिए छोटे छोटे डोर के पीछे महल में रानियों की सेफ्टी के लिए किन्नर होते थे। किन्नर तो हमेशा वो छोटे गेट के पीछे छुप करके खड़े होते थे। किसी आपातकालीन कंडीशन में जब कोई दुश्मन सर झुका के अंदर प्रवेश करता है, उसकी गर्दन को किन्नर काटते थे। इसलिए इस महल में स्मॉल डोर बनाए गए हैं। ना तो राजा स्मॉल थे, ना उनकी रानी स्मॉल थी, परंतु राजाओं को कैसे, रानियों को कैसे पता चलता था कि ये दुश्मन हमारे हैं या कोई मिलने वाला है, उसका पता लगाने के लिए यहाँ से रानियाँ, इधर हम देखते हैं सामने देखिए आप, ये था उन कमरे का वेटिंग हॉल, रानी इस जगह बैठती थी, यहाँ से बाहर की ओर देखती थी। सामने देखिए ये गोल गोल जो बना हुआ है, यहाँ पर सर एक फ्लैग होता था। ओल्ड टाइम पर 15th सेंचुरी में एक फ्लैग होता था, उस फ्लैग में कभी कभी पिकॉक चिन्ह होता था, तो रानियों को लगता था कि पिकॉक मतलब फेस्टिवल का माहौल है। तो रानियां पिकॉक चिन्ह देखने के बाद सावधान नहीं होती थी, बिल्कुल एंजॉय के साथ घूमती थी। अगर उनको लगता था कि यहाँ मिक्स एनिमल वाला एक फ्लैग लगा हुआ है, तो रानियों को लगता था कि अभी फाइटिंग होने वाला है। तो उसी के आधार पर वो सैनिक सोल्जर स्मॉल डोर के पीछे छुप के खड़े होते थे।
अंदर आने वाले की गर्दन को कट करते थे, इसलिए इसमें स्मॉल डोर बनाया गया। ना तो यहाँ के राजा छोटे थे, ना उनकी रानी छोटी थी। यहाँ से आप देखिए ये बाहर का नज़ारा, ये पूरा ग्वालियर शहर है। इस ग्वालियर शहर को तीन भागों में पहले डिवाइड किया गया था, लश्कर, ग्वालियर, मुरार। अब ग्वालियर पूरा एक हो चुका है। इसमें एक बहुत फेमस रिवर बहती थी, उसका नाम था सुवर्णरेखा, जो भी वर्तमान में नाले में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये है उस समय का ओल्ड ग्वालियर जी। अभी हम जिस हॉल में कोर्टयार्ड में खड़े हुए हैं, ये था उस समय का वेटिंग हॉल। और वेटिंग हॉल से भी अंदर चलते हैं, एक छोटा सा रास्ता है जो कि जौहर कुंड के लिए जाता है। इस जौहर कुंड की जाने से पहले रानियां उस टैंक में नहाती थी। इस वो नहाने का एक टैंक था जिसका नाम था सेप्रॉन कुंड या केसर कुंड। उस केसर कुंड में जाने से पहले इस महल के अंदर छोटे छोटे रास्ते बनाए गए हैं। इसकी दीवारों पर मिरर लगे हुए थे। सामने आप जी गोला देख रहे हैं, इस गोले में भी कुछ टाइप के मिरर लगे हुए थे और इस मिरर में रिफ्लेक्शन अंदर तक आता था। ये उस समय का लाइटिंग के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया गया था, जो कि इंडिया के बहुत सारे कम महलों में आपको देखने को मिलेगा। इसमें चारों साइड में मिरर लगे हुए थे और मिरर किस टाइप के थे कि अगर कोई व्यक्ति अपना फेस देखता था, उनको अपना फेस क्लियर नहीं दिखता था, वो डायमंड शेप वाले थे। एक व्यक्ति को डायमंड शेप वाले मिरर में देखने में कई लोग नजर आते थे तो वो कन्फ्यूज होकर के भाग जाते थे राइट साइड से। तो इसलिए इस महल में ये मिरर के लिए बनाया गया था। यहाँ से भी एक रास्ता है जो ऊपर के लिए जाता है, एक सामने से है, एक लेफ्ट साइड से है। इसके अंदर देखिए आप, ये राजमहल के अंदर एक 6 फीट डीप टैंक था। इस टैंक के वहां तक चौड़ा था, पिलर्स तक चौड़ा था। इस टैंक का नाम था केसर कुंड। ये मानसिंह तोमर के टाइम पर ये कोई लास्ट टैंक नहीं है। इसके नीचे भी -3 फ्लोर और भी बेसमेंट के अंदर है, जो कि फिलहाल टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है, जिसमें हम काल कोठरी वगैरह इस टाइप के अंडरग्राउंड में है। तो राजमहल के अंदर ये था नहाने का टैंक, जो कि बहुत चौड़ा था, 7 फीट गहरा था। यह रानियां सेप्रॉन डाल के नहाती थी, मुस्लिम महिलाओं में परफ्यून, हिंदू राजमहल रानियां सेप्रॉन। तो ये रानियों के लिए केसर कुंड था। राजा मानसिंह तोमर की फाइटिंग जब इब्राहिम लोदी से हुई, उस फाइटिंग में मानसिंह की मौत हो गई। मौत होने के बाद उनकी 8 रानियों ने राजा की अनुपस्थिति में इसी टैंक में जौहर कर लिया था, तभी से इस जगह को हम जौहर कुंड के नाम से जानते हैं। जो लास्ट राजा सिंधिया जी के समय इसको छोटा किया गया, जो टूरिस्ट के लिए बहुत ही छोटा बनाया गया है। तो ये था उस समय का नहाने का टैंक, जिसको हम आजकल जौहर कुंड के नाम से जानते हैं। इस महल में देखिए, जब रानियों के नहाते समय कोई व्यक्ति बाहर से अगर आता है तो इसमें देखो सामने बनाया है इकोसिस्टम। दीवारों पर डायमंड शेप वाले मिरर थे, चारों साइड लगे हुए थे। आने वाला व्यक्ति इसमें कन्फ्यूज होकर के इसमें गिर जाता था, जो टूरिस्ट के लिए भी बंद कर दिया गया है। ये सामने देख रहे हैं बहुत सारी वेट्स लगी हुई हैं, क्योंकि डार्क होने से ये वेट्स रात को दिखता है इनको, इसलिए अभी टूरिस्ट के लिए यहीं तक ओपन किया गया है। अभी आप देख रहे हैं ये मानसिंह महल के अंदर सेकेंड कोर्ट यार्ड के अंदर है, इसको बोलते हैं हम ओपन डांसिंग हॉल। राजमहल के अंदर जब कोई मुजरे या डांस होते थे तो राजा मानसिंह तोमर के समय कोई इलेक्ट्रिकल व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए किंग मानसिंह तोमर ने यहाँ पर कलरफुल मिरर लगाए थे। यहाँ स्मॉल खानों में कुछ कलर, कुछ मिरर, ये स्टैंड बना हुआ ऑयल लैम्प के लिए, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिकल व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए स्टैंड बनाए गए ऑयल लैम्प के लिए। रात को जब यहाँ डांस होता था तो इस ऑयल लैम्प का रिफ्लेक्शन सामने वाले मिरर पर पड़ता था। यहाँ का रिफ्लेक्ट होकर के डाउन में जो विंडो है वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर नीचे जाता था, वहाँ का रिफ्लेक्शन सेम यहाँ से अंडरग्राउंड। राजमहल के अंदर रानियाँ हमेशा इन विंडो के बैक साइड बैठती थी, रानियों को कोई देख ना पाए, इसलिए रानी अंदर से ही डांसरों को बाहर देखती थी। क्योंकि जैसे आपने देखा मुगले आजम में दिखाया गया ना क्लियर, तो अंदर वाला डांस बाहर की ओर दिखता था। राजा मानसिंह तोमर हमेशा टॉप पर बैठते थे, ऊपर की साइड में किंग सीट बनी हुई है। राजमहल में राजा मानसिंह की एक रानी थी गुजरी, वो भी साथ में बैठती थी। और महल के अंदर जो डांसर होती थी, वो डांसरों का मेकअप सामने वाले हॉल में होता था। ये घुंघरू का आर्किटेक्चर दिया हुआ है, जो डांसर्स होती थी उनके पैरों में टाइप के घुंघरू बांध जाते थे। अंदर से संगीतकार यदि गाना गाता था डांस के समय, उसका साउंड यहाँ से बाहर की ओर होता था। ये राजमहल के अंदर था संगीत हॉल, डांस के समय गाया अंदर से जाता था, अंदर गाने से इसका बाहर अच्छा साउंड होता था। इंडिया के आपने बहुत सारे महल का विजिट किया होगा, इंडिया में आपको किसी भी महल में ड्रैगन्स नहीं मिले होंगे। ये सामने देखिए, ये इंडिया में इस महल में पहले से ओल्ड ड्रैगन बने हुए हैं, जो भारत की यात्रा से महल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही फेमस ड्रैगन है, जो इंडिया के कई कई जगह नहीं मिलेंगे आपको। ये पूरा आकृति ड्रैगन के अलावा आप देखिए इस नीचे कलर भी है, ये सिंगल स्टोन है सर। यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर एक ही स्टोन है ये पूरा। ओके इस स्टोन में MM का फर्क नहीं है। आप राजस्थान, आगरा, दिल्ली कहीं का भी फोर्ट देखिए,
जाली अलग होता है, ये अलग होता है, अलग होता है, अलग अलग नहीं, यहाँ से लेके सेम एक स्टोन का है। रानी अंदर बैठ सकती थी, घूम सकती हैं, अंदर से देखती थी बाहर की ओर, क्योंकि जालियों से कोई रानियों को नहीं देख पाए। तो ये ऊपर राजा का बैठने का किंग सीट है। इनका कोई विशेष गेस्ट अतिथि आता था, वो शामल वाले टॉप पर बैठता था, उस पर एक गोल्ड अम्ब्रेला इवनिंग में। हिंदुओं में कल्चर होता है कि राजा के लेवल से गेस्ट हमेशा ऊपर बैठता, अतिथि देवो भव, तो गेस्ट हमेशा राजा के लेवल से ऊपर बैठता था, इसलिए वो गेस्ट के लिए था ऊपर, उस पर गोल्ड अम्ब्रेला होता था। आप जो आकृति देख रहे हैं ना, इस टाइप की नीचे निकली हुई है, देखने में थोड़ा अलग लग रहा है आपको, क्योंकि हिंदू नहीं होता ये वाला, ये जैन होता है। जैसे आपने फोर्ट का एंट्री किया, आपको बहुत लंबी लंबी स्टैचू नजर आई होंगी, वो सभी जैन प्रतिमा है, क्योंकि हमारे ग्वालियर फोर्ट के आउटसाइड में जितनी भी मूर्तियां हैं वो सब जैन मूर्तियां हैं, क्योंकि तोमर डायनेस्टी हिंदू धर्म को फॉलो करते ही थे, उसके साथ साथ में जैन धर्म का भी पालन करते थे, क्योंकि कुछ कुछ राजाओं की वाइफ थी वो जैन धर्म का भी पालन करती थी, इसलिए राजा मानसिंह ने और उनके पूर्वजों ने बहुत सारे जैन मंदिर बनवाए फोर्ट के चारों साइड। इनकी संख्या करीबन 200 या 300 के ज़्यादा है, जो चारों साइड में किले को काट काट के बनाई गई है, जिनमें महावीर स्वामी, आदिनाथ, पार्श्वनाथ सब की मूर्तियां फोर्ट के चारों साइड बनी हुई हैं। इसलिए इस बिल्डिंग में हिंदू एंड जैन आर्किटेक्चर मिक्स किया गया है। जैसे आप डोर देख रहे हैं ना, ये प्योर जैन आर्किटेक्चर वाला है।